हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होम वर्कआउट्स। आर होम वर्कआउट्स इनफ इज अ टॉपिक फॉर टुडे। So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. So जैसे जैसे आप लोग live आ रहे हो, आप लोग comment drop कीजिए, let me know that you are able to see and hear, if the audio and video is working fine for you, comment and let me know. So 38 people live as of now, which is increasing. And also press the hearts at the bottom of the screen right side. We have not received any hearts yet, so start pressing on the heart. Malik Arjun ji, hi, good evening. कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में, many days. So how are you doing? How was your holy celebration? Kamlesh ji, hello, good evening. So कैसा रहा आप लोगों का होली सेलिब्रेशन? किस किसने होली खेला और किस किसने होली नहीं खेला बताइए जरा मुझे। मलिक अर्जुन जी says good, awesome. Hi Sagar, very good evening. So आज की हमारी दूसरी क्लास है। सुबह में एक क्लास हमारी हो चुकी है मॉर्निंग में, जहाँ पे हमने प्लाटो कैसे ब्रेक करना है उसके बारे में डिस्कशन किया था। हाउ टू ब्रेक अ प्लाटो, व्हाट इज अ प्लाटो, व्हाट आर द रीजंस और व्हाई डू यू हिट अ प्लाटो एंड हाउ डू यू ओवरकम और हाउ डू यू ब्रेक अ प्लाटो, ये सारी चीजें हमने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था। इन केस यू हैव मिस्ड इट, बट डोंट वरी, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट अगेन लेटर आफ्टर दिस क्लास। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रोल अप, यू विल बी एबल टू सी दैट क्लास। तो मेरे वो वीडियो और पुराने मेरी जो क्लासेस के वीडियोज है सारे आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके। It's a bank of classes, bank of videos which you can see just by clicking on my profile picture and scrolling. 124 people live, which is increasing. It's 131 now and we are close to 1000 hearts. Wow, very good. And isi ke saath 1000 hearts hamare complete ho chuke hain. Wow. Great. So let us wait for one more minute before we end with the intro part and start with the topic. Topic is, are home workouts enough? So what do you guys think? आप लोगों को क्या लगता है, home workouts enough है या नहीं? Home workouts करने से आपको कुछ benefits मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? Lohit ji, hello, very good evening. So let us wait for 30 more seconds and then we can start. तब तक आप लोग कॉमेंट करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए और बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आर होम वर्कआउट्स इनफ, येस और नो? वॉट आर योर थॉट्स अबाउट इट? वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? हाई प्रदीप जी, वेरी गुड इवनिंग, सो ग्लैड टू सी यू इन द क्लास। आपको देख के अच्छा लगा क्लास में। हेमा जी, हैप्पी टू सी यू टू, वेरी गुड इवनिंग। Okay, so I think we should end the intro now and start with the class, so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So let us end the intro. Intro ho gaya.
एंड सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टॉपिक फॉर टुडे इज आर होम वर्कआउट्स इनफ। होम वर्कआउट्स, ये दो वर्ड्स बहुत कुछ कह जाते हैं। ओके, होम वर्कआउट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, नॉट नेसेसरीली आप कोई एक चीज़ करोगे और वही चीज़ बार बार करना है। नो, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट वराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू एट योर होम इटसेल्फ। बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट ये हैं कि मतलब एक्सरसाइज के बेनिफिट्स नहीं, एक्सरसाइज घर में करने के क्या बेनिफिट्स है अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि आपको कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है, आपके घर में आप खुद ही उसको कर सकते हो। आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है और ट्रैवलिंग एनर्जी होती है वो बच जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन गोज टू द जिम विच इज़ वेरी वेरी गुड, आई रियली एनकरेज पीपल टू गो टू द जिम बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट एंड ओन एडवांटेजेस, बट ही हैज़ टू स्पेंड अ लॉट मोर एनर्जी टू रीच टू द जिम एंड टू कम बैक फ्रॉम द जिम। सिमिलरली ही और शी हैज़ टू इन्वेस्ट टाइम, घर से लेके जिम पहुंचने तक का टाइम और जिम से लेके घर पे वापस आने तक का टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है। सेकेंडली, ट्रैवल अगर करके जा रहे हैं तो बाय कार जा रहे हैं या बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं या बाय किसी भी तरह से जा रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ता है। वो अगर डेली के हिसाब से देखेंगे तो हार्डली बहुत कम पैसे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कितना दूर है आपके घर से जिम। अगर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर बहुत नजदीक है तो कम एक्सपेंस होगा, बहुत दूर है तो ज्यादा एक्सपेंस होगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आप 5 रुपए भी दिन का पकड़ोगे इट इज नथिंग, बट इफ यू एक्यूमुलेट इट मंथली वाइज तो वो 150 से 200 रुपए हो जाते हैं और एनुअली अगर आप देखोगे तो 2000-2500 तक होगा। यानी जिम मेंबरशिप अगर आपकी 10,000 रुपीज की है तो प्लस 2000 आप एक्स्ट्रा पकड़ो बिकॉज आपका ट्रैवलिंग। ये तो मैंने बहुत कम पकड़ा है, मिनिमम 5 रुपीज, किसी का 10 रुपए होता होगा, किसी के 20 रुपए होता होगा डेली। अगर आप शेयरिंग कैब से या शेयरिंग ऑटो से जाते हो, कैसे भी आप ट्रैवल करते हो, अगर 10-20 रुपए भी आपके खर्चा होते हैं तो 20 रुपीज मंथली 600, अगर आप एनुअली देखोगे तो 7,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। मेंबरशिप जिम की आपकी 10,000 है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका मिलाकर टोटल 17,000 हो रहा है टोटल कॉस्ट। यही अगर आप घर में कर रहे हो तो वो बच जाता है। नाउ हियर अगेन आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू वर्कआउट एट होम, आई रियली एनकरेज यू टू गो टू द जिम बिकॉज इट हैज इट्स ओन बेनिफिट, बट होम वर्कआउट जो कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स हम चेक कर रहे हैं तो इट इज वेरी फेयर फॉर मी टू लेट यू नो कि हाँ ये सब बेनिफिट्स भी होते हैं बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इन द ईयर। अभी तो मेरा जिम काफी क्लोज है मेरे ऑफिस से, सो मैं ऑफिस से डायरेक्टली चला जाता हूँ मोटरसाइकिल से, बट इसके पहले फ्यू ईयर्स अगो आई हैड ए जिम विच वॉज 5 किलोमीटर्स अवे, 5 किलोमीटर से ज्यादा ही मेरे ख्याल से वो दूर था। तो आई यूज टू ट्रैवल विद बाइक, तो मैंने एक बार ऐसे ही एक्सपेंस कैलकुलेटर से मैंने एक बार चेक किया कि अगर मैं रोज का 0.5 लीटर पेट्रोल भी स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, या 2 दिन में 1 लीटर पेट्रोल में स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मंथली मेरा कितना हो रहा है और एनुअली मेरा कितना हो रहा है। सो वॉट आई रियलाइज वॉज कि जितनी मेरी जिम की मेम्बरशिप है उससे ज्यादा कॉस्ट मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, नॉट गिविंग एक्यूरेट नंबर्स, अगर मेरा जिम का मेंबरशिप 10,000 है तो मेरा 12,000 से 13,000 रुपये ट्रैवलिंग में आना जाने के लिए हो रहा है। अब 5 किलोमीटर दूर है तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा पहुंचने, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, आने के लिए भी उतना टाइम, तो वर्कआउट हो रहा है 45 मिनट्स का और आने जाने का टाइम मिला के और 45-50 मिनट्स हो रहा है। यानी जितने टाइम का वर्कआउट उतना ही टाइम आपके ट्रैवलिंग। तो जिम में वर्कआउट करने के लिए आपको एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ती है, टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है और एक्स्ट्रा फाइनेंस आपका जो एक पैसे होते हैं वो भी थोड़े खर्च करने पड़ते हैं। होम वर्कआउट्स करने में ये तीनों चीज़ें आपकी बच जाती हैं। आप ऑफिस से अगर थक कर आए हो, आपके में हिम्मत नहीं है ट्रैवल करने की या कार चलाने की, घर में ही वर्कआउट कर सकते हो आप। आपके पास अगर आप इकोनॉमिकल थोड़ा बजट पकड़ के चलते हो, मंथली एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करते हो, तो अगेन होम वर्कआउट विल गिव यू दैट बेनिफिट कि आपका बजट के अंदर आप उस एक्सरसाइज को कर पा रहे हो और आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हो पा रहा है। एनर्जी के तौर पे देख रहे हो, अगर कि थकान हो रही है, सुबह जल्दी जाना है, रात में लेट सोते हो एग्जाम्पल, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती, घर के घर में आप इसको कर लेते हो। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको होम वर्कआउट करने के। ठीक है, ये सारे हमने जो बेसिक्स चेक किए इतने अगर आप लोगों को क्लियर हो गए तो आप थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। अब हम बात करेंगे कि होम वर्कआउट में क्या वैरायटी आपको मिलती है। ओके, ये हम चेक करेंगे। सो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार, इफ यू अंडरस्टूड सो फार थम्स अप देके एक्नॉलेज करिएगा ताकि हम आगे बढ़ेंगे। अभी भारती कैनी जी, हाय भारती जी, वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट होली सेलिब्रेशन बट विथ लॉ ऑफ कार्ब्स। प्रदीप जी, चलता है कभी कभार, ओकेशनली आप अगर ज्यादा कार्ब्स या ज्यादा कभी अनहेल्दी खा लेते हो तो चलता है, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ओकेशन कि उस वक्त आप
सिर्फ एंजॉय मोड में होते हो और सारी चीजों को एंजॉय करना चाहते हो और रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखते हो अपने आपको, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, मेक श्योर व्हाट एवर यू ईट डोंट ईट टू मच, पोर्शन कंट्रोल करना है और गिल्ट फ्री खाना है, थोड़ा सा ज्यादा भी अगर हो रहा है तो गिल्ट मत होइएगा, गिल्ट फ्री खाइए, एंजॉय करके खाइए, एंजॉय एवरी बाइट, एंजॉय एवरी सिप, व्हाट एवर यू ड्रिंकिंग, व्हाट एवर यू ईटिंग। शीना जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, वेरी हैप्पी टू सी इन द क्लास। ओके, हेमा जी ने हमको थम्स अप दे दिया है, थैंक यू वेरी मच हेमा जी फॉर योर एक्नॉलेजमेंट एंड फॉर योर थम्स अप। सो 328 पीपल वॉचिंग अस लाइव एंड 4100 हार्ट्स हो चुके हैं हमारे, इसी तरह हार्ट्स प्रेस करते रहिए बार बार लगातार, लेट्स हिट 10K हार्ट्स बाय द एंड ऑफ द क्लास। और किस किस को समझ गया है थम्स अप दे दीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझा, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज आस्क, आई वुड बी हैप्पी टू सी योर क्वेश्चंस एंड आई वुड बी हैप्पी टू सी योर डाउट्स। प्रदीप जी, मुंबई में ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, 5 किलोमीटर में के लिए भी 20 से 30 मिनट, एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट, एग्जैक्टली अगर आप पीक आवर्स में स्पेशली जाते हो सुबह या फिर शाम में, जो ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं रोड पे ऑफिस जाने के लिए निकलने के लिए, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अबाउट द ट्रैफिक। अगर आप नॉन पीक आवर्स में निकलते हो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग या वेरी लेट इन द नाइट या आफ्टरनून टाइम में, तो थोड़ा सा कम मिलेगा ट्रैफिक, ठीक है। गुड सर, सो ग्लैड टू अटेंड द क्लास, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड कॉमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस इन द क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स व्हिच यू कैन डू एट योर होम इटसेल्फ। जिम में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी, अबंडेंस ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन डू, और एक एक एक्सरसाइज को भी आप बहुत सारी चीजों और बहुत सारी अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ एक बाइसेप कर्ल करना चाहते हो तो आप 2 किलो से लेकर 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 किलो, इतने वैरायटी आपको मिल जाएगी सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए। अब आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, आप मशीन से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, बाबल से भी कर सकते हो, नीचे के एंगल पे कर सकते हो, सामने के एंगल पे कर सकते हो, ऊपर के एंगल से कर सकते हो, क्रॉस एंगल, यानी बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। वैसे अबंडेंस ऑफ एक्सरसाइजेस दैट ट्रूली एक्सप्लेन्स एंड कि आप कितने सारी वेरिएशन एंड वैरायटी के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। बट होम वर्कआउट्स में हम जब बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ ही कर पाओगे या सिर्फ एरोबिक्स ही कर पाओगे या सिर्फ स्ट्रेचिंग ही कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यू कैन फोकस ऑन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ फिटनेस एट योर होम वर्कआउट्स इटसेल्फ। ऑब्वियसली वैरायटी थोड़ी कम रहेगी, वेरिएशंस थोड़े कम रहेंगे कंपेयर टू अ जिम वर्कआउट, आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और थोड़े लिमिटेड वेरिएशंस ही रहेंगे, बट दैट डजंट मीन कि कोई भी कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आपका छूट जाएगा। आपका कंपोनेंट ऑफ फिटनेस कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। सो ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपको होम वर्कआउट्स में भी आप कवर अप कर सकते हो। अगर आप जुम्बा कर रहे हो, अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप होम कार्डियो कर रहे हो तो इससे आपका कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ रहा है। अगर आप स्क्वाट्स, पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड, वाटर बॉटल या कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो इससे आपका स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़ रहा है। और अगर आप स्ट्रेचेस कर रहे हो तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। और अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो आपका आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन भी प्रॉपर रहेगा, फैट परसेंटेज विद इन द रेंज रहेगा, बॉडी का पॉस्चर अच्छा रहेगा, सारी चीजें अच्छी रहेगी। सो यस, यू कैन फोकस ऑन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ फिटनेस, ऑल द वर्टिकल्स ऑफ फिटनेस, ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस, बट वेरिएशंस एंड वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी जिम में होगी। थोड़े से आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हो, थोड़े से लिमिटेड वेरिएशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप डांस, जुम्बा या होम फंक्शनल एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपका एरोबिक्स, एज अ सेट, कि आपका हार्ट की कैपेसिटी, लंग्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर आप स्क्वाट्स, पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड से फंक्शनल एक्सरसाइजेस या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या वाटर बॉटल से कर रहे हो तो मसल की स्ट्रेंथ और साइज बढ़ेगी, और स्ट्रेचिंग करने से आपकी ओवरऑल जॉइंट्स एंड मसल्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सो दीज आर द वैरायटी, दीज आर द कंपोनेंट्स और दीज आर द एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन डू एट योर होम इटसेल्फ। समझ गए इतना, थम्स अप दे दीजिएगा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, कि आपको इतने वर्कआउट्स इनफ होंगे या नहीं होंगे। ओके, ये हम चेक करने वाले हैं अभी। पीपल फेल टू मेंटेन पंक्चुअलिटी इफ डोंट गो टू द जिम। यस, आई विल एनलाइटन दिस पॉइंट ऑल्सो इन डिटेल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग प्लीज एक्नॉलेज कर दो, थम्स अप दे दो। सारे के सारे लोग नहीं देते हैं थम्स अप, खाली हेमा जी ने दिया था अभी इसके पहले।
सो वी आर बैक लाइव. कैन एनी वन प्लीज कन्फर्म इफ यू एबल टू सी एंड हियर नाउ. आई कैन सी कपल ऑफ पीपल सेइंग नो ऑडियो वीडियो ब्लैक आउट. तो क्या आप लोग प्लीज कन्फर्म कर सकते हो इफ यू एबल टू सी एंड हियर नाउ, क्या अभी आप लोग देख पा रहे हो सुन पा रहे हो? प्लीज एक्नॉलेज करो. प्लीज गिव अ थम्स अप और प्लीज टाइप अ यस इफ यू एबल टू सी एंड हियर. हिमा जी का कमेंट आया है विच आई विल गो थ्रू, बट उसके पहले प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, एक्नॉलेज दे दो कि वीडियो एंड ऑडियो भी ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. ओके प्रदीप जी सेज नाउ ओके आल्सो रन ट्वाइस अ वीक अर्ली. अनिरुद्ध जी हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू. हेमा जी थम्स अप. कमलेश सेज यस ओके फैंटास्टिक. तो कहाँ थे हम? व्हाट वर वी डिस्कसिंग? या वी वर सपोज टू डिस्कस की आर होम वर्कआउट्स इनफ. सो होम वर्कआउट्स में एज अ सेड की यू टच और यू टच अप ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, योर स्टैमिना, एवरीथिंग. बट द बॉटम लाइन इज कि आपकी उस लेवल की इंटेंसिटी जनरेट नहीं हो पाती है और उस लेवल के वेरिएशंस आपको नहीं मिल पाते हैं जितने आपको जिम में मिलते हैं. तो अगर मैं आपको एकदम क्रिस्प और शॉर्ट पे मैं समझाना चाहूँ इसके बारे में, तो अगर जिम में आपकी प्रोग्रेस 80% तक का होती है, 80% होती है फॉर एग्जाम्पल, तो होम वर्कआउट्स में 55-60% तक का होगी. यानी थोड़ा सा स्लो होगा बट डेफिनेटली होगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू गेट मोर वराइटी एंड मोर इंटेंसिटी और मोर वेरिएशन इन द जिम, यू कैन प्रोग्रेस अ लिटिल फास्टर. होम वर्कआउट्स भी इतने ज्यादा नहीं हो पाते हैं जिस वजह से आपको उतने फास्ट रिजल्ट्स शायद आपको नहीं मिल पाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट उतने फास्ट और इतने क्विक नहीं मिलेंगे जितने आपको जिम में मिल सकते हैं. बिकॉज होम वर्कआउट्स हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या क्या है. हमने चेक किया था कि ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, ट्रैवलिंग एनर्जी बच रही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच रहा है. घर के घर में आप कर सकते हो अगर थोड़े लो एनर्जी लेवल्स पे हो तो भी, ऑफिस से लेट आते हो तो भी, या जल्दी ऑफिस जाना तो भी, यू कैन क्विकली गेट इट डन एंड यू कैन क्विकली मैनेज टू गेट इट डन. बट ऑन द अदर साइड इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस. इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, या थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं बोलूंगा मैं, बट डिसएडवांटेजेस इज अ राइट वर्ड टू चूज की डिसएडवांटेजेस भी इसके आपको हो सकते हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है, वेरी ऑब्वियस, कि यू गेट अ वेरी लेस वराइटी ऑफ वर्कआउट एंड यू कैन जनरेट वेरी लेस इंटेंसिटी. बिकॉज कर करके आप कितना करोगे, आपका बॉडी वेट जो है उतना ही आपको कर पा रहा है. अगर जिम में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ठीक है, आप 20 किलो नहीं उठा सकते हो तो आप 10 किलो उठाओगे, 10 किलो नहीं उठा सकते तो 5 किलो. यू कैन चूज अ वेट विच इज लाइट डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ. बट बॉडी वेट वर्कआउट में कैसा होता है, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको उससे ही मैनेज करना पड़ा. ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा वेट निकाल के साइड में रख दो और हल्का फुल्का करो, होने के बाद वापस वेट ले लो. यू कैन नॉट डू दैट. बॉडी वेट अगर आपका 60 kg, स्ट्रेंथ आपकी 80 kg के, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट और यू गेट वेरी लेस ऑप्शन टू एड मोर वेट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ. राइट, आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपको ज्यादातर मैनेज करना पड़ता है. जिम में कैसा, अगर आपका वेट 60 है तो आप 80 kg भी उठा सकते हो, 100 kg भी उठा सकते हो. तो ये भी चीज आपको डिसएडवांटेज के अंदर आती है होम वर्कआउट्स के, होम वर्कआउट्स में. ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा वो ये है कि एक जोन नहीं मिल पाता आपको. व्हाट डू यू मीन बाय अ जोन? एक एनवायरमेंट. जिम में अगर आप जाते हो, जैसे ही जिम में एंटर करते हो तो योर ब्रेन गेट्स अ किक, योर ब्रेन गेट्स अ स्टिमुलेशन की यस दिस इज द प्लेस वेर यू वर्कआउट. यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है. घर में है तो घर में डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा आपको हो सकते हैं, कि घर में कोई बेल बजा दिया, कोई आ गया, या घर में कोई गेस्ट आ गया, या घर में कोई किचन में कोई कुछ कर रहा है, कोई बेडरूम में कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, टीवी में कोई अच्छा सीरियल आ रहा है या कोई अच्छी मूवी आ रही है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपका फोन रिंग हो रहा है. तो आप अपने कंफर्ट लेवल पे होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, जहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा हो सकते हैं एंड दैट कुड इंटरफेयर इन टू योर वर्कआउट. लेकिन जिम में जाने से ऐसा होता है कि यू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. घर में क्या हो रहा है, यू नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. एक बार आप जिम में पहुंच गए तो घर में कौन क्या कर रहा है, घर में कौन टीवी देख रहा है, घर में कौन फ्रिज में से जूस निकाल के पी रहा है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. आप एक अलग जोन में आ गए जहां पे आप और आपके साथ जितने लोग आसपास के हैं उनका एक ही पर्पस है, दैट इज टू वर्कआउट, दैट इज टू एक्सरसाइज. हाँ, आजकल ये इतना ज्यादा लागू नहीं होती है ये वर्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल
नाउ डेज इट्स नॉट गुड एक्चुअली, इट इज़ वेरी सैड कि बहुत सारे लोग टाइम पास बहुत ज़्यादा करते हैं जिम में, एक दूसरे से बातें करना, चिट चैटिंग करना, फोन में लेना, फोटोज खींचना. इट इज़ वेरी गुड टू क्लिक फोटोज़. आई वुड नेवर से कि फोटो मत खींचो. फोटो अगर आप इसलिए खींच रहे हो कि आप अपने प्रोग्रेस चेक करना चाहते हो कि आज मेरा बॉडी का शेप या मेरे कट्स कैसे दिख रहे हैं और एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद कैसे दिख रहे हैं, इस इंटेंशंस के साथ अगर आप खींच रहे हो तो बेस्ट, माइंड ब्लोइंग. बट अगर आप इस इंटेंशन से खींच रहे हो कि आज जिम में गया, आज पोस्ट करके सबको दिखाना है कि मैं जिम में हूँ और आई विल गेट मोर लाइक्स और आई विल गेट मोर कॉम्प्लीमेंट्स, देन दैट्स अ बैड इंटेंशन. ठीक है, तो दिखावे के लिए करना, दिखावे के लिए मत करो. किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला आपके जिम जाने से, फायदा किसे होगा? आपको खुद को होगा. सो सेट योर इंटेंशंस राइट एंड फोकस मोर ऑन योर वर्कआउट. चिट चैटिंग करना तो जिम के बाद करो, वर्कआउट एरिया के बाद जाके आप किसी गार्डन में जाके, पार्क में जाके, कहीं पे भी जाके आप चिट चैटिंग करो. एक जोन में अगर आप पहुंच गए हो तो फिर आप अपना वर्कआउट ही करो. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, जिम में आप जैसे ही जाते हो तो एक जोन में पहुंच जाते हो वेर यू फोकस एंड पीपल अराउंड यू फोकस ओनली ऑन वन थिंग विच इज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, टू बेटर देयर हेल्थ एंड टू डू द एक्सरसाइजेस. घर में डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, जिम में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते. सेकेंडली, अगर आप इसका नेक्स्ट एक और पॉइंटर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घर में हो, आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, यू मे गेट, देर आर पीपल इन द हाउस. अगर घर में कोई नहीं है तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा. घर में अगर कोई है तो शायद आपको सपोर्ट मिल भी जाएगा, बट वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा बिकॉज द पर्सन फ्रॉम होम यू आर आस्किंग सपोर्ट, हो सकता है आपके मॉम है, डैड है, सिस्टर है, ब्रदर, वट एवर हुएवर दे आर, उनको शायद वो वर्कआउट का आइडिया है या नहीं है, कैसे सपोर्ट देना, कैसे हेल्प करना वो नहीं पता है. बट जिम में अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो यू हैव ट्रेनर्स जिनसे आप सुपरविजन के अंदर वर्कआउट कर सकते हो, जिनसे आप पूछ सकते हो कि इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है, या आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चेक कर सकते हैं. इफ ट्रेनर्स आर नॉट देयर, वेदर ट्रेनर्स आर ऑलवेज देयर, बट इन केस ट्रेनर किसी और जगह बिजी है तो यू ऑलवेज हैव पीपल अराउंड यू हु नोस. जो जिम में आ रहा है बेसिकली ज्यादा चांसेस ये कि उनको पता है कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है, अनलेस उनका वेरी फर्स्ट डे इन द जिम है तो, राइट. अगर इनका फर्स्ट डे जिम में तो उनको ऑब्वियसली आप नहीं पूछोगे, जिनको आप रेगुलरली देख रहे हो कि हाँ ये काफी दिन से दिख रहे हैं, रेगुलर है, तो उनसे आप सपोर्ट ले सकते हो या थोड़ा हेल्प ले सकते हो एंड यू कैन गेट योर वर्कआउट डन, जो जिम जो होम वर्कआउट में नहीं हो पाता. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग आउट इन द होम. एवरीथिंग हैज इज प्रोज एंड कॉन्स, राइट. हर एक चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, हर एक चीज का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. जिम की भी अगर आप बात करोगे उसके भी एडवांटेजेस है, उसके भी डिसएडवांटेजेस है. इसी तरह होम वर्कआउट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके भी एडवांटेजेस है और उसके भी डिसएडवांटेजेस है. क्लियर हो गया आपको पूरी तरह से एडवांटेजेस एंड पूरे डिसएडवांटेजेस, तो थम्स अप दे दीजिएगा. नाउ विल कंक्लूड इट वेरी शॉर्टली इन वन लाइन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. आई कैन सी मेनी मेनी कमेंट्स व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू सी. तो सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे और फिर उसके बाद साइन ऑफ करेंगे. ठीक है, people live with us and 10,000 hearts. Yay, very nice. Thank you very much guys for hitting 10K hearts. I really appreciate, I really enjoy looking at the hearts. Thank you so much. ओके, तो चलो लेट अस कंक्लूड इट. एक फाइनल टचअप दे देते हैं, फाइनल वर्ड्स के साथ इसको साइन ऑफ करेंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस लेने के बाद ऑब्वियसली. ठीक है, तो द बॉटम लाइन इज होम वर्कआउट्स आर इनफ. होम वर्कआउट्स आर इनफ फॉर जनरल फिटनेस. होम वर्कआउट्स आर इनफ फॉर एक्टिवेटिंग ए मसल ग्रुप, फॉर इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन, फॉर टचिंग अप ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑन योर स्टैमिना, वेरी गुड. बट अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए, आपको बॉडी बिल्डिंग चाहिए, या आपको एक्सट्रीम टोनिंग चाहिए, कोई इवेंट आ रहा है या कोई ओकेशन आ रहा है जिसके लिए आपको रेडी होना है या तैयार होना है, या स्टेज कॉम्पिटिशन, वट एवर इट इज, उसके लिए होम वर्कआउट्स आर नॉट इनफ. बट येस, इट इज इनफ फॉर योर जनरल फिटनेस, फॉर योर रेगुलर वर्कआउट. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप होम वर्कआउट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, थोड़ा सा तो टाइम इन्वेस्ट कर ही सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, आप सुबह सुबह 6 बजे ऑफिस चले जाते हो, रात में 10-11 बजे आते हो, कब जाओगे जिम? आप नहीं जा पाओगे ना. बट अगर आप होम वर्कआउट्स करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है, 2 मिनट्स
2 मिनट्स इज मोर देन इनफ, जिसको मैं शावर वर्कआउट बोलता हूँ। आप शावर लेने से पहले 2 मिनट के लिए क्विकली इन एक्सरसाइज को कर सकते हो, जंपिंग जैक, स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये 3 चीज भी अगर आप कर रहे हो मोर देन इनफ, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो आप कर रहे हो टू एट द बिगनिंग ऑफ द डे टू स्टार्ट योर डे विद, कुछ तो आप कर रहे हो जिससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ रही है और मसल एक्टिवेशन हो रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हो। यही 2 मिनट वर्कआउट के लिए आप जिम नहीं जा सकते ना, एक्सरसाइज करना है 2 मिनट के लिए आपको क्विकली क्विकली, बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उसके लिए आप 15 मिनट स्पेंड करोगे जिम पहुंचने के लिए, फिर 15 मिनट स्पेंड करोगे जिम से वापस आने, और वर्कआउट कितने देर का कर रहे हो, 5 मिनट का, डजेंट मेक एनी सेंस राइट। आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो 5 मिनट का वर्कआउट करना, यू विल एंड अप नॉट डूइंग इट। कौन जाएगा 10-15 मिनट खर्च करके, आधा एक घंटा खर्च होगा और 5 मिनट का वर्कआउट करना है, टाइम नहीं है, लेट्स नॉट डू इट। इन सच केसेस होम वर्कआउट्स आर वंडरफुल, आप क्विकली शार वर्कआउट कर सकते हो। अगर ज्यादा टाइम है तो 5 मिनट के लिए करो, और ज्यादा टाइम है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक अगर टाइम है तो वेरी वेरी गुड कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक फाइनल टचअप है, येस होम वर्कआउट्स आर इनफ फॉर जनरल फिटनेस, फॉर जनरल एक्टिवेशन ऑफ ए मसल, फॉर जनरल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, बट एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग, एक्सट्रीम टोनिंग, एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट अवर टॉपिक एंड विद दिस वी आर डन विद इट। पूरी तरह से समझ गए, येस दे दो, थम्स अप दे दो। अब मैं कॉमेंट्स की तरफ बढ़ूंगा और कॉमेंट्स देखने के बाद हम लोग साइन ऑफ करेंगे, ठीक है गाइस। चलो अभी मैं कमेंट्स देखता हूँ थोड़े से। अनिरुद्ध जी वेरी गुड इवनिंग, आई सेट अप मिनी जिम एट होम एंड डू इट रेगुलरली फॉर एन आवर इन अर्ली मॉर्निंग, एज गोइंग टू द जिम इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, ओह वाओ दैट्स फैंटास्टिक। अगर आपका घर स्पेशियस है और इफ यू वांट टू स्पेंड इन्वेस्ट सम मनी ऑन दैट, तो फिर दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप होम जिम ही बना लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही आप पूरे बेनिफिट्स उठा सकते हो जिम के ही, ठीक है। किसी चीज़ के लिए लाइन लगाने की, नंबर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीक आवर्स में ऐसा होता है कि इफ़ यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज वो मशीन पे कोई और कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा, तो होम जिम में वो नहीं है। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, बट जो कोई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी है तो यू कैन एन्जॉय द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ओके। अगेन आई एम नॉट एनकरेजिंग कि सब लोग जिम घर में ही खोल लो, बट जिसके पास ऑलरेडी है, जैसे अनिरुद्ध जी के पास है, तो इट इज़ वेरी गुड। पर्सनली आई लाइक होम वर्कआउट बिकॉज आई कैन कंबाइन डिफरेंट वर्कआउट लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, ज़ुम्बा, मेडिटेशन, वंस आई वेंट टू द रियली गॉट बोर्ड ऑन वर्किंग एंड ट्रेनिंग, इट्स लाइक गुड फॉर वर्कआउट एंड स्ट्रेंथ, यस। सो ये आपका पॉइंट वेरी वैलिड है, अगर आप सिर्फ जिम में जाके कार्डियो करते हो तो आप बहुत बोर हो जाएगी, विल बी बोर्ड टिल डेथ, इतना ज्यादा बोरियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट वराइटी की फंक्शनल एक्सरसाइजेस करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो तो आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। आई ऑल्सो रन ट्वाइस अ वीक अर्ली मॉर्निंग, वेरी नाइस, सो कम्प्लीट पैकेज ऑफ फिटनेस। आई एम ए बिगनर सो नाउ आई एम एंजॉइंग होम वर्कआउट्स, अमेजिंग अमेजिंग हेमा जी, ट्रेन के हाथ विद होली कलर, प्लीज चेक माई कमेंट, आपका मैंने चेक कर लिया। अनिरुद्ध जी थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंटिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। वेन कैन वी कैन इंक्लूड बोथ, बट होम वर्कआउट अलोन इज नॉट इनफ, वेदर वेन एवर आई हैव टाइम आई मोस्टली ऑन संडे गो फॉर वॉक, उसके येस दैट्स अ गुड पॉइंट, ओके। अगर जिम जिस दिन नहीं जा पाते हो उस दिन होम वर्कआउट कर लो, जिस दिन टाइम है आपके पास, एनर्जी सब कुछ है, तो फिर जिम में जाके करो। अगर टाइम नहीं है, और जिम मतलब नेसेसरीली नहीं कि पे करके जिम में जाओ, अगर आपके ऑफिस, सॉरी आपके ऑफिस में जिम है तो वहां भी कर सकते हो, आपके सोसाइटी के क्लब हाउस में भी आप कर सकते हो, ओके। इन मॉर्निंग आई कैन परफॉर्म डेली 1 set of 2 minutes स्क्वाट पुशअप्स जंपिंग जैक्स एंड यू कैन हैव 1 more प्लैंक, ओके, विथ कलरफुल होली हाथ कंप्लीट, वाह थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। सो बहुत मजा आया गाइज आप लोगों से बात करके, आप लोगों के सामने क्लास कंडक्ट करके, यू आर अ लवली ऑडियंस, आई रियली रियली एन्जॉय टेकिंग क्लासेस फॉर यू गाइज, बहुत मजा आता है राइट। इसी तरह अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास है, 7 बजे कोच विशाखा ऑन लाइफ स्टाइल टिप्स, 7:30 बजे कोच सना ऑन बेरी डांसिंग। सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती है, गोकी प्ले ऑन डिफरेंट वराइटी ऑफ फिटनेस, स्पेंड सम मोर टाइम एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। मैं आपसे मिलूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास के साथ, जो कि है कल सुबह 10:30 बजे, 2 classes फॉर टुमारो, 10:30 इन द मॉर्निंग एंड 6 इन द इवनिंग, जैसे आज का स्केड्यूल था वैसे ही कल का है, 10:30 सुबह में और शाम में 6 बजे। सो प्लीज कीप अस फ्री एंड डू ज्वाइन मी फॉर बोथ द क्लासेस।
अभी जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी वैसे ही आपको एक ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का, तो प्लीज क्लास को रेट भी दे दो। रेट करके सबमिट मत करो, रेट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा छोटा, उसमें टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, तो रेटिंग दे दो, रिटन फीडबैक दे दो एंड फिर साइन ऑफ करो, ठीक है। तो मिलेंगे हम सब सारे के सारे लोग, प्लीज आइएगा एवरीवन, एंड आई विल मीट यू टुमारो 10:30 AM। टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग, आई होप यू हैड अ ग्रेट होली सेलिब्रेशन, सो सी यू टुमारो एंड बी द फोर्स।